हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट स्टोरी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्किन के बारे में, और आप लोगों को इस वीडियो को देख के ये समझना है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्किन केयर रूटीन सेट करना है। सो गाइज, देखते रहिए वीडियो एंड तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्किन, आप कैसे टेस्ट करें आपकी स्किन टाइप क्या है, साथ ही साथ आप किस तरीके का स्किन केयर रूटीन अपने स्किन के लिए कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ 5 टाइप ऑफ स्किन: ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। सो गाइज, जैसे कि सब लोग नाम से ही पहचान गए हैं कि ऑयली स्किन मतलब ऑयल ज्यादा है आपकी स्किन में, ड्राई स्किन यानी कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, फ्लेकी फ्लेकी है, फट जाते हैं कहीं कहीं पे, नॉर्मल स्किन जहां पे आपकी स्किन पे ना ज्यादा ऑयल दिखता है ना ज्यादा वो ड्राई होती है। कॉम्बिनेशन स्किन में एक्चुअली देखा गया है कहीं कहीं पे आपके स्किन पार्ट्स पे ऑयल दिखता है, मतलब फेस पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे ऑयल दिखता है, कहीं पे आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो वो एक कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है। मैं यहाँ पे पिक्स लगा दूंगी, तो आप एक बार रेफर कर लीजिएगा और पहचान सकते हैं कि आपकी स्किन कैसी है। और सेंसिटिव स्किन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सेंसिटिव स्किन ऐसी होती है कि आप कुछ भी उस पर अप्लाई करते हैं तो वो एकदम से रैशेज आपके निकल जाते हैं, या फिर आप अगर फेशियल करवाते हैं, ब्लीच करवाने जाते हैं, या कुछ भी एक्सरसाइज है, थोड़ा बहुत भी कुछ आप अपनी स्किन पे मेकअप कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण आपकी स्किन पे रैशेज या फिर आपकी स्किन रेड हो जाती है, उसे कहते हैं सेंसिटिव स्किन। यहाँ पे आपको 2 टेस्ट बताऊंगी पता करने के लिए आपका स्किन टाइप कैसा है। तो फर्स्ट टेस्ट जो है वो है मॉर्निंग टेस्ट। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप सबसे पहला काम बिना फेस वॉश किए अपना फेस आप मिरर में देखेंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप काफी ऑयल देख पाएंगे अपने फेस पे कई जगह पर। जितने ज्यादा आप ऑयल देख पाते हैं उतनी ज्यादा आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कहीं कहीं पे अपनी स्किन ड्राई या फिर खिंची खिंची सी पाएंगे, या फिर कहीं कहीं पे फ्लेक्स, या फिर आपकी डेड स्किन, या फिर आप फट रही होगी स्किन अपने फेस पे। अगर गाइज आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपकी स्किन पे उतना ज्यादा ऑयल नहीं होगा, बट हाँ नॉर्मल स्किन पे आपकी सुबह में थोड़ा बहुत ऑयल आपका रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, अब हम लोग बात करें कॉम्बिनेशन स्किन की। अगर आपकी स्किन कहीं कहीं पे आपकी स्किन पे आपको फेस पे ऑयल दिखेगा और कहीं कहीं पे वो फटी हुई सी नजर आएगी, यानी कि वो कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन का स्किन केयर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। सेंसिटिव स्किन वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, सुबह उठ के आपको ऐसा कुछ पता नहीं चलने वाला है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, अनलेस एंड अंटिल आप उसके अपनी स्किन पे कुछ केमिकल अप्लाई ना करें। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप धूप में निकल रहे हैं और आपने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया है तो आपको बहुत जल्दी ही सनबर्न्स आ जाएंगे। दूसरे टेस्ट के बारे में मैं यहाँ पे बात करती हूँ, वो है टिश्यू टेस्ट। टिश्यू टेस्ट के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक फेशियल टिश्यू लेंगे, उसके 5 पार्ट्स कर लेंगे, स्क्वायर पार्ट्स कर लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 अपने फेस पे 5 पार्ट्स पे आप उसको रखेंगे। तो अगर 10 सेकेंड के लिए वो 5 टिश्यू के जो पेपर है, टिश्यू पेपर के जो पार्ट्स है, अगर आपकी स्किन पे स्टिक रह जाते हैं, चिपके हुए रह जाते हैं, तो यानी कि आपकी स्किन ऑयली स्किन है। ड्राई स्किन में क्या होता है, अगर आप 5 टिश्यू के पार्ट्स वहां पे रख रहे हैं तो वो ऑल ऑफ अ सडन गिर जाएंगे विदिन 2 सेकेंड्स। अगर नॉर्मल स्किन है आपकी तो 3 to 4 सेकेंड वो रहेंगे, उसके बाद गिर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल स्किन में थोड़ा सा ऑयल आपका रहता है। नॉर्मल स्किन इज नॉट मच ऑयली एंड नॉट मच ड्राई। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो कहीं कहीं पे वो चिपके हुए रहेंगे, कहीं कहीं पे वो ऑल ऑफ अ सडन गिर जाएंगे। तो ये है गाइज टिश्यू टेस्ट जो कि आप कर सकते हैं जानने के लिए आपका स्किन टाइप। गाइज अब मैं बता देती हूँ स्किन केयर रेजिमेंट, कौन सी स्किन के साथ आपको कैसा स्किन केयर अपनाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑयली स्किन के बारे में। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लोग को अपने स्किन केयर में टोनर जरूर इंक्लूड करना चाहिए, और कोई भी टोनर आप इंक्लूड कर सकते हैं, टोनर जिसको एस्ट्रिंजेंट भी बोलते हैं। ऐसा करने से आपके पोर्स जो है स्किन के वो बंद हो जाते हैं, पोर्स जब आपके बंद हो जाते हैं तो स्किन में से ऑयल निकलना बंद हो जाता है, पिंपल्स बहुत कम हो जाते हैं आपके। ऑयली स्किन के लिए आप टोनर जरूर इंक्लूड कीजिए, और ऑयली स्किन के लिए क्रीम से आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो होती है उससे थोड़ा सा दूर रहिए। आप ऐसा जेल यूज कीजिए अपने स्किन के लिए। ऑयली स्किन वाले लोग इनफैक्ट मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती, स्किन ड्राई हो जाती है। ऑयली स्किन में मुल्तानी मिट्टी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो गाइज चलिए अब बात करते हैं ड्राई स्किन के बारे में। गाइज अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जितना हो सके उसको मॉइस्चराइज रखने की कोशिश कीजिए,
डे क्रीम यूज कीजिए और नाइट क्रीम भी यूज कीजिए। तो नाइट क्रीम क्यों जरूरी है गाइस, क्योंकि नाइट क्रीम डे क्रीम से ज्यादा आपके फेस पे इफेक्ट करती है, आपके फेस को डे क्रीम से ज्यादा मॉइस्चराइज रखती है, ज्यादा मॉइस्चर लॉक कर देती है। क्यों? क्योंकि रात में ऑलरेडी आपकी बॉडी एक हीलिंग प्रोसेस पे होती है, और अगर आप नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं या नाइट में कोई भी लोशन अप्लाई करते हैं तो आपकी स्क्रीन दिन में आपको लगाने की मेरे ख्याल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो गाइस, पहले के जमाने में क्या होता था, रात में अपनी मम्मियां दादियां और जो नानियां थी वो रात में मलाई लगाती थी रात को सोने से पहले, या फिर घी मल के सोती थी, या फिर चेहरे पे या फिर हाथ पैर पे। बट गाइज, अब हम लोग का लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा फास्ट हो गई, या फिर अपन इतने ज्यादा आलसी हो गए हैं कि ये मलाई निकाल के लगाना और ये वो, मतलब झिकझिक फिर हाथ धोना, कई लोगों को तो मलाई की स्मेल ही पसंद नहीं होती है। तो गाइज, उन लोगों के लिए है नाइट क्रीम, और मैं तो एडवाइस करूंगी नाइट क्रीम हर किसी को यूज करना चाहिए। बट कैसा हो कि अगर नाइट क्रीम आपकी जो है ऑर्गेनिक और जो नेचुरल तरीके से, और जो मतलब पूरे नेचुरल सब्सटेंस से बनी हो तो कितना अच्छा हो। तो गाइज, बस ऐसी एक क्रीम मैं आपके आपके लिए लेकर आई हूँ, मॉम्स एंड वर्ल्ड की रिन्यू एंड रिपेयर नाइट क्रीम। सो गाइज, ये पूरा पूरा ऑर्गेनिक मेथड से बनी हुई है, साथ ही साथ बहुत ही रिच है ये विटामिन, वाइटनॉल। इसमें दिया हुआ है 549 और प्रोडक्ट आपको मिल रहा है करीबन 50 ग्राम, और जो कि मुझे लगता है काफी अफोर्डेबल है। साथ ही साथ इसमें जो इन्होंने मतलब कि इंस्ट्रक्शंस या फिर जो दिए हुए वो है नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन, मतलब ये। सो गाइज, मैं एडवाइस करूंगी अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको बिल्कुल यूज करना चाहिए नाइट क्रीम, और बिल्कुल आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, नाइट क्रीम यूज करना ही चाहिए, तभी जाके वो मॉइस्चर आपके डे क्रीम करने के बाद भी आपका मॉइस्चर जो है 24 आवर्स बना रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगी आपकी स्किन, और आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, फ्लेकी नहीं होगी। अगर आप आपकी ऑयली स्किन है तो आप अवॉइड कर भी सकते हैं। गाइस, विंटर्स में आप जरूर नाइट क्रीम यूज कीजिए, या फिर अपने स्किन की जरूर देखभाल कीजिए, क्योंकि विंटर्स ऐसा टाइम होता है जब आपकी स्किन अगर ऑयली है या फिर नॉर्मल है तो भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, इसीलिए विंटर्स में नाइट क्रीम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप, मैं दिखा देती हूँ इसको यूज कैसे। फेस पैक से दूर रहेंगे। आप ऐसा फेस पैक यूज कर सकते हैं जो कि ड्राई नहीं है, जैसे मुल्तानी मिट्टी जो ड्राई हो जाती है, मुल्तानी मिट्टी वो ड्राई नहीं होता है। सो गाइस, ऐसा फेस पैक आप यूज कीजिए जिससे आपकी स्किन ड्राई ना हो। आप कई फेस शीट मास्क भी यूज कर सकते हैं। अब गाइस, बात करती हूं मैं नॉर्मल स्किन के बारे में। तो नॉर्मल स्किन वाले लोगों की तो बल्ले बल्ले है, और जैसे कि मेरी जैसे कि मेरी गाइस नॉर्मल स्किन है, तो आप कुछ करें या ना करें आपकी स्किन हमेशा 12 महीने अच्छी बनी रहती है। बट हाँ, आपको क्या करना है, नॉर्मल स्किन वालों को एक चीज बहुत ज्यादा याद रखनी है, आपको समर में सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है, और विंटर्स में आपको डे क्रीम और नाइट क्रीम फेस पे यूज करना बहुत जरूरी है। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि गाइज अगर मेरी नॉर्मल स्किन है वैसे तो, बट अगर मैं समर्स में सनस्क्रीन यूज नहीं करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा टैन हो जाती हूँ, और अगर मैं विंटर्स में मैं मॉइस्चराइज करके नहीं रखती हूँ तो मेरी स्किन ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ड्राई होने लग जाती है। सो गाइज, नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये दो जो है मेरी तरफ से हिदायत है, वो आप जरूर कीजिए। तो गाइज, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। तो वो लोग क्या करते हैं, जहां पे भी उनकी ऑयली स्किन है, मान लीजिए इस जगह पे उनका ऑयल आता है सिर्फ इस एरिया में, बाकी उनकी ड्राई स्किन है, तो वो लोग क्या करते हैं सिर्फ इस एरिया में फेस पैक लगाते हैं या मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसा फेस पैक जो कि ड्राई होता है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी हुई, या फिर क्योलिन क्ले जो मिल रहा है, इट इज वेरी इफेक्टिव, क्योलिन क्ले आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी इस जगह पे अगर ऑयल आ रहा है तो आपको सिर्फ इतने जगह पे ही अपने जो है स्किन पे फेस पैक लगाना है, या फिर उसी को आपको ऑयली स्किन की तरह ट्रीट करना है और देखभाल करना है, और बाकी स्किन पे आपको आपकी ड्राई स्किन की तरह ट्रीट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने इतनी स्किन पे आपने फेस पैक लगाया है, और इतनी स्किन पे आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, जेल लगाएंगे, और बाकी के स्किन पे आप मॉइस्चराइजर
लगाएंगे। सो गाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। कई लोग छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं करते अपनी स्किन के बारे में, तो उनके तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। बट हाँ, जो लोग सच में अपनी स्किन का देखभाल करना चाहते हैं और आप लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन है, तो प्लीज ये वाला मेरा ट्रिक जरूर ट्राई करके देखिएगा। और मैं कहती हूँ आप मेरे को जरूर जरूर बाद में आके बोलेंगे कमेंट में, थैंक यू दी आपने मेरे को ये बहुत अच्छा बताया। सो गाइज अब बात करते हो सेंसिटिव स्किन के बारे में। सो गाइज सेंसिटिव स्किन थोड़ी सी मतलब देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो थोड़ी डेलिकेट होती है और सेंसिटिव, नाम है सेंसिटिव तो वो सेंसिटिव होती है। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि आप अगर पार्लर जाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आप बता दें पहले से अपनी पार्लर वाली जो दीदी हैं उनको, या फिर जहां पे भी आप जा रहे हैं जो आपका करने वाला है ट्रीटमेंट, बता दें कि मेरी सेंसिटिव स्किन है। और आप ज्यादातर फ्रूट फेशियल जो होते हैं, फ्रूट क्लीनअप होता है, फ्रूट ब्लीच होता है, फ्रूट्स की तरफ, नेचुरल चीजों की तरफ आप ज्यादा जाएंगे, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी केमिकल अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो रैशेस दिखाने लगेगी, पिंपल दिखाने लगेगी, पॉपआउट्स होने लग जाएंगे। सो गाइस सेंसिटिव स्किन वालों को ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके नेचुरल अपने स्किन पे अप्लाई कीजिए चीजें, और नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को, आप जो घरेलू नुस्खे होते हैं उस के जरिए आप अपनी स्किन को स्किन केयर अपना कीजिए। सो गाइज ये था टाइप्स ऑफ स्किन और स्किन केयर के बारे में। अब मैं गाइज और एक एडवाइस यहाँ पे मैं आपको देना चाहती हूँ कि 30 इयर्स के बाद आप अपनी स्किन की देखभाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 30 इयर्स के बाद आपकी स्किन एजिंग पे चली जाती है। जो यूथ होता है, यूथनेस होती है आपकी स्किन का, जो वो कम होने लग जाता है, मतलब आपकी जवानी कम होने लग जाती है और आपकी स्किन जो है रिंकल्स और फ्लेकी और ड्राई और मतलब मॉइस्चर उसका जाने लग जाता है। तो मैं ये एडवाइस करूंगी 30 इयर्स के बाद नाइट और डे क्रीम दोनों ही यूज करना चाहिए, बट नाइट क्रीम आपको जरूर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि रात में जो आपकी स्किन हील हो रही है, जो मॉइस्चर लॉक कर रही है, वो आपको लाइफ टाइम, मतलब दिन भर तो रहेगा ही रहेगा, बट आप अगर इसको रेगुलर यूज करते हैं नाइट क्रीम को, तो लाइफ टाइम समझ लीजिए आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग और एकदम क्या बोल सकती हूँ मैं, फ्लॉलेस रहेगी। सो गाइज बस इतना ही आज के वीडियो के बारे में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।